सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, भारत में कोरोना के प्रकोप से बीसीसीआई को आईपीएल के 14वें संस्करण को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों आईपीएल 2021 का लगभग आधा सीजन खत्म हो गया था, जहां पे कुल 60 मैचों में से 29 मैचेस खेले जा चुके थे और यहां पर 31 मैचेस बाकी रह गए। तो दोस्तों, अगर बीसीसीआई आईपीएल के जो बाकी बचे 31 मैचेस कम्प्लीट नहीं कराती है तो उन्हें लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे में दोस्तों बीसीसीआई अपना इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं कराना चाहेगी और वो आईपीएल के बाकी बचे जो 31 मैचेस है वो उन्हें कैसे भी करके कौन सी भी विंडो में कंप्लीट कराना चाहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अब आईपीएल 2021 के जो बाकी बचे 31 मैचेस है वो कब खेले जाएंगे, कौन सी विंडो में खेले जाएंगे और कहां पे खेले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं और चाहते हैं कि आईपीएल जल्द से शुरू हो जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी क्विक अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले आईपीएल के जो बाकी मैचेस है वो कंप्लीट होना मुश्किल है। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से 22 जून तक इंग्लैंड में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया 2 से 3 जून को ही इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी और फिर वहां पर 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। दोस्तों, पहले खबर निकल के आ रही थी कि जो बीसीसीआई है वो आईपीएल के पूरे टूर्नामेंट को मुंबई में स्थानांतरित कर देगी और वहां पर 3 स्टेडियमों के बीच आईपीएल के बाकी बचे मैचेस कंप्लीट कराएगी। लेकिन दोस्तों, इस खबर को बीसीसीआई ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इतने कम समय में नया बायो बबल बनाना, होटल बुकिंग करना, वो सब बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले आईपीएल के बाकी बचे 31 मैचेस कंप्लीट होना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, 18 जून से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद यहां पर जुलाई के महीने में एशिया कप का आयोजन होना है। हालांकि दोस्तों, अभी एशिया कप को लेकर कोई भी शेड्यूल बाहर नहीं आया है, कोई भी स्पष्टता नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर यहां पर जुलाई के महीने में एशिया कप का आयोजन होता है तो यहां पर भी आईपीएल के बाकी बचे मैचेस कंप्लीट करना मुश्किल है। उनके बाद दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से 14 सितंबर तक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल को लेकर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 14 सितंबर के बाद और T20 वर्ल्ड कप से पहले यहां आईपीएल के लिए एक छोटी सी विंडो बचती है जहां की आईपीएल का पूरा सीजन कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों, बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से भी खबर आई है कि अगर सितंबर के महीने में ओवरसीज खिलाड़ी उपलब्ध हुए, यानी विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध हुए और कोरोना की स्थिति में सुधार आया तो यहां पर बाकी बचा आईपीएल का सीजन कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहां पर आईपीएल का बाकी बचा सीजन भारत में होगा या फिर यूएई में होगा वो कह नहीं सकते। दोस्तों, अगर भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार आया तो यहां पर भारत में आईपीएल का बाकी बचा सीजन कंप्लीट होगा, नहीं तो यहां पर बीसीसीआई यूएई में भी इसे कंप्लीट करा सकती है। उनके बाद दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये भारत में खेला जाएगा या फिर यूएई में या फिर कहीं खेला जाएगा उनको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पर T20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर के महीने में एक छोटी सी विंडो बचती है जहां की बीसीसीआई आईपीएल के बाकी बचे 31 मैचेस कंप्लीट करा सकती है। तो दोस्तों, यहां पर शेड्यूल के हिसाब से तो हमें 2 विंडो नजर आती है, एक सितंबर के महीने में और एक T20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर के महीने में। बाकी दोस्तों, आईपीएल 2021 को लेकर अगर कोई भी अपडेट निकल के आती है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।